नमस्कार, मैं रोहित जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पैसे की हवस ने दो युवकों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पूरा मामला भिवानी का है, जहां पर दो युवकों ने पैसे की हवस में एक मिठाई की दुकान चलाने वाले से फिरौती मांगी। ना केवल फिरौती की फोन पर मांग की, बल्कि पैसे लेने के लिए वो नकली पिस्तौल लेकर भी दुकान पर आ गए और हवाई फायर करके दहशत फैलाने का प्रयास भी किया। मामले की इत्तला पुलिस को दी गई और पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला और कुछ देर के बाद एक युवक को दबोच लिया। उसके बाद उस युवक के द्वारा जिस तरह की जानकारी मुहैया करवाई गई, तो दूसरे युवक को भी दबोच लिया गया और दोनों युवक जो कि दबोचे गए थे, उनमें एक युवक मर्चेंट नेवी की तैयारी करता था, यानी एक युवक जो है एक टेस्ट भी पास कर चुका था। मामला भिवानी के आलू बाजार क्षेत्र का है, जहां पर दो युवकों ने दहशत फैलाने के मकसद से ना केवल नकली पिस्तौल से हवाई फायर किए, बल्कि प्यारेलाल हलवाई जो कि शहर का मशहूर हलवाई है, सब्जी आदि भी बेचता है, उस हलवाई से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। रकम छोटी नहीं थी, ऐसे में पुलिस भी हरकत में आई और उसके बाद दोनों युवकों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था, दबोच लिया गया था। युवकों से पूछताछ की गई और उसके बाद पता चला कि दोनों युवक सैंडी गैंग से संबंधित है और अमीर बनने की चाहत में दोनों के द्वारा इस तरह से ना केवल ये खेल रचा गया था दोनों के द्वारा, बल्कि पहले ही मामले में दोनों दबोच लिए गए थे। हालांकि और कितने मामले उनके ऊपर है, वो तमाम चीजें भी खंगाली जा रही है, वो तमाम चीजें भी उनके बारे में भी जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। बहरहाल पुलिस के द्वारा दोनों को दबोच लिया गया था, व्यापारी संगठनों में आक्रोश था इस बात को लेकर, लेकिन दोनों को दबोचने के बाद कहीं ना कहीं ना केवल व्यापारियों ने राहत की सांस ली, बल्कि पुलिस ने भी पूरे मामले में राहत की सांस ली। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।